एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल। आज हम सॉल्यूशन रा सेकंड लेक्चर देखिबा। तो सेकंड लेक्चर रे कौन करिबा ना सेकंड लेक्चर रे कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्लेन करिबा। प्रीवियस क्लास रे मु तुमको बुझेतली कंसंट्रेशन कौन माने द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रे केते अमाउंट रो सॉल्यूट प्रेजेंट रछि हम जानिथले कंसंट्रेशन। तो से कंसंट्रेशन टर्म को मु प्रीवियस क्लास से एक्सप्लेन करथली कहितली अवश्य केते भाग डिवाइड हेछि गोटे वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म आउथला मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। तो जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट आउ मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म होची टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आज हम टेम्परेचर डिपेंडेंट जेते सब कंसंट्रेशन टर्म अछि वन बाय वन ताको एक्सप्लेन करबा जेति कि देखिबा कंसंट्रेशन ए लेक्चर रे जेति कि जीवो। तो फर्स्ट हमर थिला कोन ना फर्स्ट होची परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो फर्स्ट थिला कंसंट्रेशन टर्म हमर टेम्परेचर डिपेंडेंट कने वॉल्यूम रिलेटेड जेति को सब टेम्परेचर डिपेंडेंट हम जानि छी। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कोन हबो ना वेट ऑफ सॉल्यूट रो वेट होची इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100 सेट मल्टीप्लाई करबो। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज काढिबार अछि त 100% रो हम केते अछि वेट ऑफ सॉल्यूट जानिया पई कि वेट बाय वॉल्यूम रो फार्मूला होची वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आको बते फर्स्ट रे पढी छ तथापि हम आउ थरे भल से एक्सप्लेन करबा सेकंड रे। तो जानिबा केमति कंसंट्रेशन टर्म वेट बाय वॉल्यूम। तो एठी हमर कोन हबो ना सब बेले मन रखियो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वाल टू 100 ml। ये कनसीडर करा पड़ो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को सब के 100 ml कनसीडर करा पड़ो। तो यहाँ आम फर्स्ट थी वन आम एक्सप्लेन करते वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सेकेंड रे देखा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फॉर्मूला कौन हम ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100 से तो मल्टीप्लाई करो। एठी भी सेमती वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर करया पड़ो केते 100 ml। तो एटा हमको देखिवार थिला फर्स्ट सेकंड थिला। फर्स्ट थिला परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम सेकंड रे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। थर्ड टर्म कोन थिला ना थर्ड थिला मोलारिटी। एबे हम तेको देखिवा मोलारिटी कोन थर्ड टर्म को जीवा भल से एक्सप्लेन करो आउ वीडियो देखिवा सहित नोट्स करि चलो नोट्स निजे निजे प्रिपेयर करो। तो मोलारिटी रिप्रेजेंट करा जीवो कैपिटल एम। मोलारिटी माने कौन मोलारिटी रो डेफिनेशन आमे आगे जानिबा। मोलारिटी माने कौन ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो लेखन मोलारिटी माने कौन ना मोलारिटी होची तार डेफिनेशन कौन हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केते मोल्स प्रेजेंट अछि सेटा आम कौन कहवा मोलारिटी कहवा। देख तार फर्मूला कौन हम मोलारिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को उधर रहइबो इन लीटर आउ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को उधर रहइबो ग्राम रे रहइबो। तो मोलारिटी रहिटा होची फार्मूला तले हमें आको काढिबा पड़िबो कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर आको रिप्रेजेंट करबा एन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करले कोन एन आउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करले वॉल्यूम इन लीटर। तो एबे हमें काढिबा पड़िबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केमती काढिबा ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल कांसेप्ट रे पढ़िथिबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होची वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट।
वेट ऑफ सॉल्यूट अपन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट रे मोलार मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देले हमें पाई जा कोन नंबर ऑफ मोल्स तले वेट ऑफ सॉल्यूट हो छि डबल होल डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट हाको रिप्रेजेंट करा जो m नॉट और जहां भी लिख पेरो m सॉल्यूट भी लिख देले चलिबो वेट ऑफ सॉल्यूट को w नेबो वेट मास केमिस्ट्री दुटा को इक्वल लिखा दे फिजिक्स रे डिफरेंट आसीबो तो एथि मास ऑफ सॉल्यूट मते लिख पेरबा और वेट ऑफ सॉल्यूट लिख पेरे वेट मास ऑफ सॉल्यूट को w रिप्रेजेंट करले आउ मोलार मास होची m नॉट माने सॉल्यूट रो मोलार मास होची m नॉट तले एथि नंबर ऑफ मोल्स पाई गेले तले ए फार्मूला टा को हम एथि नंबर ऑफ मोल्स रे ने पुट कर दबा तले मोलारिटी कोन होबो तले मोलारिटी एट लिखुची मोलारिटी कौन हम ना मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बाय एम जीरो तले डब्ल्यू बाय एम नॉट इनटू वॉल्यूम इन लीटर वीएल तो जदि वॉल्यूम लीटर थिबो तले डब्ल्यू बाय एम नॉट इनटू वीएल जदि वॉल्यूम टा मिलीलीटर थिबो तले कोन करबा ना वॉल्यूम जदि मिलीलीटर थिबो तले मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वीएमएल होल डिवाइडेड बाय 1000 तले डिवाइड हबो डिवाइड हेले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले ऊपर पळेबो तले डब्ल्यू इनटू 1000 अपन एम नॉट इनटू वीएमएल एम नॉट माने कोन ना मोलार मास ऑफ सॉल्यूट मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास जे भी कहि परे तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर जदी मिलीलीटर दिया हला ताले ऊपर ओटे 1000 मल्टीप्लाई करिया को पड़िवो एटा थिला हमर कोन ना एटा भल से नोट करो एटा होची हमर मोलारिटी रो फार्मूला तो मोलारिटी माने हमें कोन बुझिले मोलारिटी माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केते मोल सॉल्यूट प्रेजेंट अछि गोटे लिटर सल्यूसन आग गोटे लिटर पर आम रिप्रेजेंट करवा जी लिटर में नाल कौन करा पड़ो ना मिलीलीटर थी आमको 1000 डिवाइड करा पड़ो तो यहाँ थी आमर कौन ना मोलारिटी आप नेक्स्ट टॉक मोलारिटी यूनिट कौन मोलारिटी यूनिट आसब मन रख मोलारिटी यूनिट मोलारिटी यूनिट आसब मोल पर लिटर मोर पर लिटर और मोल लिटर इनवर्स मोल लिटर इनवर्स एटा यूनिटा मन रख एटा यूनिटा छाड़ देते नेक्स्ट जीवा आम कौन ना स्ट्रेंथ देखा स्ट्रेंथ कौन तो ये देखा स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कौन ना अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड पर लिटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रेंथ कौन ना गोटे सॉल्यूशन स्ट्रेंथ केते स्ट्रेंथ केते माने केते कंसेंट्रेटेड अच्छे सी केते सॉल्यूट अच्छे से सॉल्वेंट रे तो केते सॉल्यूट अच्छे सेटा होची अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स आमे सॉल्यूट को कोथे देखिबा ग्राम रे देखिबा डिजॉल्व पर लिटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गोटे लिटर रे केते ग्राम डिजॉल्व हो कछि सेटा होची कोन ना स्ट्रेंथ तार फार्मूला कोन हबो ना स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माने पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कोथर नबा ना पर लीटर रे इन लीटर और मास ऑफ सॉल्यूट कोथर नबा ना ग्राम रे ताले केते ग्राम डिजॉल्व हेछि गुटे लीटर रे सेटा होची कोन ना स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ रो फार्मूला आसीबो मास ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कोन आसीबो वॉल्यूम इन लीटर ताले मोलारिटी रो फार्मूला कोन देखो मोलारिटी रो फार्मूला होची वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलार मास इनटू वी लीटर एटा जानिले प्रीवियस जानले मोलारिटी तो स्ट्रेंथ और मोलारिटी नियरली कर तांको भीतर गोटे रिलेशन अछि तो स्ट्रेंथ और मोलारिटी सेटी कोन थिला मोलारिटी रे कोन थिला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कोथरे मोलारिटी रे स्ट्रेंथ रे कोन ना मास ऑफ सॉल्यूट केते अमाउंट रो सॉल्यूट खाली एति के चेंज हे छि एति सेटी नंबर ऑफ मोल्स एति मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एति खाली चेंज हे छि ताले एटी देखो एटी डब्ल्यू वाई हमर एटी आसु डब्ल्यू वाई वीएल माने वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर ताले एटा हि जीवो कोन स्ट्रेंथ हे जीवनी ताले हि गला कोन आसीबो ना स्ट्रेंथ बाय एम नॉट माने मोलार मास ऑफ सॉल्यूट ताले कोन आसीबो रिलेशन कोन आसीबो ना स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट
स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी एम नॉट टाइप पढ़ा ऐसी मल्टीप्लाई हो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एटा गोटे रिलेशन आम पाइले कौन ना स्ट्रेंथ आउ मोलारिटी भितर गोटे रिलेशन देखिले एवं आम नेक्स्ट टॉपिक को जीवा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म एवं नेक्स्ट टर्म देखा नॉर्मालिटी फिफ्थ टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट नॉर्मालिटी रिप्रेजेंट करा जीवा कैपिटल एम नॉर्मालिटी माने कौन आगे देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नॉर्मालिटी माने कौन बुझुच ये सब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ुचे आउ कौ टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट कहीं सब वॉल्यूम रिलेटेड टर्म तो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म जितक सब टेम्परेचर डिपेंडेंट बारंबार कहूँ तो नॉर्मालिटी माने कौन ना केते नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट केते ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अच्छी पर लिटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ताले फॉर्मूला कौन हम नॉर्मालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ताले हमको ये काढ़ा पड़ो कौन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केमती काढ़ा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट एटी गोटे टर्म आसला कौन इक्विवेलेंट मास तो इक्विवेलेंट मास काढ़ा तुम्हें फर्स्ट ईयर जानी थो न जानले भी तथा मुझे फर्स्ट ईयर को या सहित मिसेक ने तो फर्स्ट ईयर जो इक्विवेलेंट मास काढ़ा एसिड बेस सॉल्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट मानक सब इक्विवेलेंट मास आज मुझे पढ़ेबी एगुड़ा सब बुझेबी इक्विवेलेंट मास आम कमी काढ़ा तो इक्विवेलेंट मास माने कौन ना ये देख इक्विवेलेंट मास कमी काढ़ा ना इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मलिकुलर मास बा मोलार मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर एक्स फैक्टर माने कौन ना वैलेंसी फैक्टर एटा मन रखियो वैलेंसी फैक्टर आम आज काढ़ा ये एक्स फैक्टर गुड़ा कौन एसिड पाई एक्स फैक्टर कौन हम बेस पाई एक्स फैक्टर कौन हम सॉल्ट पाई एक्स फैक्टर कौन हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट पाई एक्स फैक्टर कौन हम ये सब आम एवं डिटरमाइन करवा इक्विवेलेंट मास काढ़ी ये पुट करवा इक्विवेलेंट मास जगह कौन पकेबा ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आउ विथ एक्स फैक्टर ताले एटा को आम जानले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कौन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट आपको नहीं पकईदा तो नॉर्मालिटी फॉर्मूला कौन हम नॉर्मालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर एटा आसीबो कौन नॉर्मालिटी फॉर्मूला ताकु जदि एमएल रे करबा ताले डब्ल्यू बाय वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऊपर केते रखियो 1000 मल्टीप्लाई करियो ताले एटा होची नॉर्मालिटी रो फार्मूला आमुके बे दरकार कोन ना ई जो इक्विवेलेंट मास काढिबा केमथि कारण वेट ऑफ सॉल्यूट आमुके देइथिबो नले गिवन पचारीथिबो आमे जहा भी नॉर्मालिटी देइथिबो एमथि किछि भी टर्म देइथिबो सबरो प्रॉब्लम डिफरेंट करिबा किंतु आज हम एवं देखा इक्विवेलेंट मास केमती डिटरमाइन करवा एसिड रो केमती काढ़ा बेस रो केमती काढ़ा सॉल्ट रो केमती काढ़ा सब डिफरेंट रो इक्विवेलेंट मास एवं काढ़ा ताको काढ़ा पूर्व मॉलिक्यूलर मास तो आम डिटरमाइन करवा फर्स्ट ईयर जानी करें एक्स फैक्टरटा केमती काढ़ा सेटा मुझे कहबी है एवं एक्स फैक्टर कैलकुलेट करवा इक्विवेलेंट मास पाई कौन दरकार ना मॉलिक्यूलर मास काढ़ा दरकार तो समस्त जानी थो मॉलिक्यूलर मास कौन ना सम ऑफ द एटॉमिक मास तो आम डिटरमाइन करे फर्स्ट ईयर एवं भी आउ थे कहीदेवि तापर एक्स फैक्टर केमती काढ़ा सेटा मुझे कहूँ तो फास्ट आम देखा कह रहा ना एसिड्स तो एसिड मानकर एक्स फैक्टर केमती काढ़ा ना एक्स फैक्टरटा हूँ एक्स हूँ कौन ना बेसीसीटी एसिड क्षेत्र में बेसीसीटी बेसीसीटी मान कौन नंबर ऑफ एच प्लस आयन नंबर ऑफ एच प्लस आयन्स गिवन बाय एसिड नंबर ऑफ एच प्लस आयन्स गिवन बाय एसिड्स जो एसिड केतेटा एच प्लस आयन दौर से कौन बेसीसीटी सेटा हूँ एक्स फैक्टर सपोज आम देखा एच टू एस ओ फोर तेल एच टू एसओ फोर रेसीसीटी के दुटा एच प्लस आयन दब एच टू एसओ फोर जी डिजल्व करवा व्टर में मिसाइल के आयन दब दुटा एच प्लस आयन दबे एक्स फैक्टर के एक्स इज इक्वल टू टू
दुईटा एच प्लस आयन देला माने एक्स फैक्टर के टू आसला तले इक्विवेलेंट मास आमे काढ़ कौन करवा आर मॉलिक्यूलर मास काढ़ मॉलिक्यूलर मास केमती काढ़ ना देख मॉलिक्यूलर मास काढ़ कि कहीदे मॉलिक्यूलर मास हूँ जीत आटम्स थी आउ इंटू इट्स आटमिक मास तार समेसन करदेव माने ये टू इंटू आटमिक मास हाइड्रोजन वन सल्फर गोटे अच्छी वन इंटू सल्फर के इंटू थर्टी टू वन इंटू थर्टी टू प्लस फोर इंटू सिक्सटीन ए सबको मिसाइले नाइंटी एट चेष्टा कर केते गुड़ाए कंपाउंड मॉलिक्यूलर मास गुड़ाक मन रखापी प्राक्ट कर मन रखिले सांगे सांगे कर तो ये आसा के मॉलिक्यूलर मास आसा नाइंटी एट इक्विवेलेंट मास कौन हम ना इक्विवेलेंट मास हूँ मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड विल अपन कौन बेसिसिटी रहा तो बेसिसिटी एटी के ना टू एक्स फैक्टर माने से बेसिसिटी एसिड क्षेत्र में बेसिसिटी बेस क्षेत्र में कौन एसिडिटी तले एटी के डिवाइड हम टू डिवाइड हम तले इक्विवेलेंट मास ऑफ एच टू एस ऑफ आसला के 49 सपोज मुझे तुमको कहबी एचसीएल एचसीएल रो इक्विवेलेंट मास केते हो ना एचसीएल रो बेसिसिटी केते 1 तो तार जितनी मॉलिक्यूलर मास हम मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन हो 35.5 आउ हाइड्रोजन 1 36.5 डिवाइड होल डिवाइड बाय 1 कारण बेसिसिटी एटी 1 माने एक्स फैक्टर एटी 1 ताले बुझी पार किसी एक्सेप्शनल अच्छी एक्सेप्शनल क्षेत्र गुड़ाक अलग किंतु एगुड़ा सब कौन ना जनरल प्रिंसिपल आम ये सब मानवा तो जनरल प्रिंसिपल ये सब एमती आसब आउ एसिड रहा काढ़े एवं आम देखा बेस्र बेस्र केमती इक्विवेलेंट मास आम काढ़ देख लिभौची जहाँ दरकार स्क्रीनशॉट नबो तो नेक्स्ट देखिबा बेस बेस माने ताले बेस रो कौन हम बेस रे हूँ एक्स हूँ कौन ना एसिडिटी एसिडिटी माने नंबर ऑफ ओएच माइनस गिवन बाय कंपाउंड नंबर ऑफ ओएच माइनस नंबर ऑफ ओएच माइनस जितकीटा ओएच माइनस गिवन कर गोटे कंपाउंड तार सल्यूशन जितकीटा ओएच माइनस दब से कौन एसिड से एक्स फैक्टर सपोज आम बेस गोटे देखा एन ओएच ताले एन ओएच गोटे बेस ओएच अच्छी ताले एटी बेसिसिटी केते ना वन कहीं गोटे ओएच माइनस दब ताले एटी एक्स के आसो एक्स एसिडिटी बेसिसिटी नुह से हूँ बेसिसिटी एटी एसिडिटी बेस आसला मैंने एसिडिटी तो एसिडिटी एटी के आसो ना वन तो वन आसला मैंने आर इक्विवेलेंट मास कौन हम ना आर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी डिवाइड कर दबो आराम रे पाइछो तले आरो इक्विवेलेंट मास कोन आसीबो देखो आरो आसीबो आकु मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करले 40 आसीबो 16 एटा हबो 23 प्लस 1 तो 24 प्लस 16 केते 40 40 होल डिवाइड अपन 1 कने आरो एसिडिटी होची 1 कने गुटे ओएच माइनस दबो तले एठी इक्विवेलेंट मास आसीबो केते 40 तले जदि मु तुम कहबी एएल ओएच रो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कहबा एएल ओएच रो होलते तले एठी बेस एठी एसिडिटी केते 3टा कहीं ये तीन टा ओएच माइनस सैन दब तेल थ्री है मैंने आर मॉलिक्यूलर मास होल डिवाइडेड बाय 3 तो आम डिटरमाइन करदे बेस रे देखा आम सॉल्ट तो सॉल्ट रो इक्विवेलेंट मास केमती काढ़ माने इक्विवेलेंट मास काढ़ कौन दरकार पड़ी एक्स फैक्टर आम ए काढ़ुचे कौन एक्स फैक्टर काढ़ुचे तो सॉल्ट कौन हम सॉल्ट रो लिख सॉल्ट एक्स एक्स कौन हम ना एक्स हूँ टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस बा पॉजिटिव टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव आयंस माने टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव माने मेटल टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव ऑफ मेटल आटम्स टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव ऑफ मेटल आटम्स ताले आगो की अच्छी मेटल आटम अच्छी माने देखो सपोज मु कहबी Na2SO4 तले एन ए टू एसओ फोर में आमको एक्स कौन हम ना टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव ऑफ मेटल आटम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव नहीं पार नेगेटिव भी नहीं पारे किंतु दुईटा जाक पॉजिटिव एक्स फैक्टर सब पॉजिटिव ही डिवाइड हो सेति मैं नहीं जाइए टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव ऑफ मेटल आटम माने फास्ट जोटा अच्छे से मेटल आटम तो यार टोटल पॉजिटिव देखा तर पॉजिटिव आपको जब ब्रेक करवा सोडियम कौन दबा ना प्लस वन दब एक जब ब्रेक करवा सोडियम प्लस वन आउ एसओ फोर माइनस टू तले एटी दुईटा सोडियम अच्छी ताले एठी गोटे कि प्लस वन गोटे प्लस वन दुईटा प्लस टू ताले एक्स फैक्टर के ना एक्स एक्स फैक्टर आसो टू कहीं सोडियम गोटे कि एन ए प्लस देला तो जितकीटा पॉजिटिव आसो टोटल पॉजिटिव ऑफ मेटल आटम्स तो मेटल आटम पॉजिटिव के गोटे अच्छी तो गोटे एन ए प्लस दुईटा सोडियम अच्छी से प्लस टू है तो ये एक्स फैक्टर आसला के टू
तो एमती आम सल्टर आम काढ़ एवं आम देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आउ रिड्यूसिंग एजेंट रमी कौन काढ़ इक्विवेलेंट मास काढ़ तो ये देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट रमती आम कौन काढ़ एक्सफैक्टर केमी काढ़ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबुठ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ किए ना KMnO4 सबुठ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आसो किए ना KMnO4 से एसीडिक मीडियम दब Mn+2 एसीडिक मीडियम Mn+2 दब तो ये आम कौन जानले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट माने रिडक्शन आउ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस कर रिडक्शन ऑक्सीडेशन आम जाने लॉस ऑफ रिडक्शन माने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन माने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये आम एक्सपेक्टर काढ़ा केमती ये एक्सपेक्टर काढ़ा लिखे ये तार कौन हम ना एक्सपेक्टरटा के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस by one molecule of the substance one molecule of the substance is equal to x factor mane number of electron lost or gained by one molecule of the substance gote molecule substance kete electron loss or gain korchi seita hoci amar oxidizing agent or reducing agent to seita ame x factor is equal to x factor to x factor ta kete electron loss korchi ba gain korchi ame ethi dekhiba to KMnO4 hoci best oxidizing agent eta hu neiche to acidic medium re KMnO4 kon dabo na Mn+2 dabo aw base medium re dabo K2MnO4 आउ KMnO4 न्यूट्रल मीडियम दब MnO2 KMnO4 दब एसीडिक मीडियम एसीडिक मैंने H+ Mn+2 ताले एथि हमें कैलकुलेट करिबा जे केते इलेक्ट्रॉन लॉस करछि तो केते इलेक्ट्रॉन लॉस करछि केम जानिबा एटार ऑक्सीडेशन एटे तो पोटासियम चेंज हो माने कारण पोटासियम कांस्टेंट अल्काली मेटल अल्काली नेमान सब वेरिएबल वैलेंस शो करबेने केवल डी ब्लॉक एलिमेंट ही वेरिएबल वैलेंस शो करबो हम फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जानिछे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स रो एठी आर ऑक्सीडेशन नंबर केमती काढ़ा ना आकू काढ़ ऑक्सीडेशन नंबर काढ़ फॉर्मूला कह दे ऑक्सीडेशन नंबर केमती कड़ा जाए जोटा पचारथु सेटा को एक्स नै जिवो आउ एटा पोटासियम होची +1 ऑक्सीजन होची -2 ताले एठी देखो +1 +x एठी केते आसीबो 4 2 8 -8 इज इक्वल टू किसी चार्ज ए कंपाउंड क्यारी करनी मैंने ऊपर इज इक्वल टू 0 ताले X-7 इज इक्वल 0 एक्स इज इक्वल टू के आसला ना +7 ताले एठी ऑक्सीडेशन स्टेट के आसला +7 ताले ये केते +7 थिला +2 को जाइछ +7 थिला +2 को जाइछ माने इलेक्ट्रॉन गेन करिछ कारण गेन कले लॉस कैटायंस गुड़ा कम तो ये +7 रु +2 को जाइए मैंने केतटा गेन कर पाँचटा गेन कर तो आम जाने एक्सपेक्टर कौन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस सेटा हूँ एक्सपेक्टर ताले ये जेहेतु पाँचटा इलेक्ट्रॉन गेन करईटार आम एक्सपेक्टर के एक्स इज इक्वल टू 5 तो एक्सपेक्टर से आसो के 5 तापर एटि देखा KMnO4 एटि मैंगानीज के 7 तो बेस मीडियम दब कौन K2MnO4 दब ताले एटि आम देखा के कारण एटी आसब एक्स एटी पोटासीयम +2 कारण पोटासीयम होची +1 दुईटा अच्छे +2 आउ एटी ऑक्सीजन -2 ताले चारटा अच्छे -8 +2 -8 ताले केते आसब +2 -8 कटले -6 सबुट गले +6 हो ताले ऑक्सीडेशन स्टेट एटी आसब +6 काढ़ तुम जानो फर्स्ट इयर जदि न जानते मत कमेंट बक्स पचार आउर आउ गोटे फर्स्ट इयर भिडियो भी करी तो से ऑक्सीडेशन स्टेट करवा कहीदेवी तो ये आसो +6 ताहले आमर एटि केते थिला +7 थिला एटि हला केते +6 देखो +7 रु +6 सब माने केतेटा इलेक्ट्रॉन गेन करछि गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करछि कारण +7 रु +6 जाइछ माने गोटे इलेक्ट्रॉन गेन कले ही पॉजिटिव कमिबो ताले एक्स फैक्टर एटि आसीबो केते ना एक्स फैक्टर एटि आसीबो 1 गोटे इलेक्ट्रॉन गेन कला तापर नेक्स्ट देखा न्यूट्रल मीडियम रे मांगानीज एटी अच्छे के +7 एटा तो कन्स्टांट एपट रोच रिएक्ट हैंड साइड तो प्रोडक्ट ये देखा यहाँ हूँ एक्स एटी -2 ताले एक्स माइनस -2 दुईटा अच्छे -4 ताले एक्स -4 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल +4 ताले एटी मांगानीज रो केते आसला ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आसला ताले गोटे +7 स्टेट रे थिला +4 स्टेट गला ताले केतरा इलेक्ट्रॉन गेन कला 3टा ताले एक्स फैक्टर एटी अच्छे केते आसीबो 3 बुझी पालो समस्ते जे न बुझिपार ये स्क्रीनशॉट नियो जो मैंने कि बुझाना ऑक्सीडेशन स्टेट केमती कढ़ा जाऊँगी से गुड़ा सब देख ऑक्सीडेशन स्टेट आम केमती काढ़ूचे आउ न्यूट्रल मीडियम एक्स आसला 3
आउ एठी बेसिक मीडियम रे K2 MN ऊपर आसला ताले एक्स रो वैल्यू एक्स फैक्टर आसले केते 1 आउ हमर कोन रहला हमर छला एसिडिक मीडियम रे मैंगनीज प्लस 2 स्टेट को गला ताले सेठी केतेटा इलेक्ट्रॉन गेन कला 5टा इलेक्ट्रॉन सेति में प्लस 6 आसला तो सेठी हमर एक्स फैक्टर आसला 5 तो हमें 1 by 1 एक्सप्लेन कले फास्ट हमें जान ले माने इक्विवेलेंट मास काढिया पई कि हमके एक एटा दरकार पड़छि इक्विवेलेंट मास काढिया पई कि हम कोन दरकार एक्स फैक्टर कने मॉलिक्यूलर मास कहार भी हमें कैलकुलेट करि परबा फास्ट रो हमें जानि छि तो एक्स फैक्टर कहार कर काढिले एसिड रो काढिले एसिड माने कोन ना एसिड होची बेसिसिटी जेतिकटा एच प्लस आयन दबो बेस माने कोन जेतिकटा ओएच माइनस दबो सेतिक होची एसिडिटी आउ हमर सॉल्ट रो कोन ना टोटल वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम्स मेटल एटम रे केते पॉजिटिव वैलेंसी अछि सेटा होछ तार कोन थिला एक्स फैक्टर कोथरे सॉल्ट रे नेगेटिव भी नै परिया किंतु पॉजिटिव को हम कंसीडर करछे कैना पॉजिटिव डिवाइड करछे तापरे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आउ रिड्यूसिंग एजेंट रो हम कैलकुलेट करले ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट रे केमति काडिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस होची एक्स फैक्टर होबो ताहाले एबे हमें देखिबा एक सब को नहीं के नॉर्मलिटी रे केमती नॉर्मलिटी आउ हमर ये भीतर रिलेशनशिप डिटरमाइन करबा देखो पिले एबे देखिबा नॉर्मलिटी आउ मोलारिटी भीतर गोटे रिलेशन काढिबा तो नॉर्मलिटी हमें कोन जानिले नॉर्मलिटी होची इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केमति काढिबा ना वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट एटा ए रिलेशन हम जानि छे प्रीवियस हम पढिले वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अपन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर त इक्विवेलेंट मास हम केमति काढुचे इक्विवेलेंट काढुचे मोलार मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर मोलार मास अपन एक्स फैक्टर हम काढुचे तो एठी हमर पढिबो कोन मोलार मास वेट ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास जगह पकाइ दबो मोलार मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर होल डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हे गेले एठी पळेबो तो एक्स फैक्टर तो एठी गोटे रिलेशन देखो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास अपन मोलार मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर एटा कहार रिलेशन एटा कहार फार्मूला मोलारिटी रो फार्मूला ताले नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एठी पाइ गेले ना नै वेट ऑफ सॉल्यूट मोलार मास इनटू वॉल्यूम हमें जान नथिले केते मोल्स डिसॉल्व हेसी पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कोठी जानथले मोलारिटी रे मोल्स केमति काढुथले वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर एटा हम पाइथले मोलारिटी ताले इथे हम पके दवा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एक्स फैक्टर तो ए रिलेशन टा गोटे पाइबा नॉर्मलिटी कोन ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एटा हम जानिचे नॉर्मलिटी रो फार्मूला कोन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलारिटी कोन नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू एक्स फैक्टर देखो वॉल्यूम इन लीटर कटि गला तले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक्स फैक्टर एटा भी गोटे रिलेशन असला आउ केते गोटे टर्म अछि से सब टर्म गुडा को मन रखिबो एट लिखि दउ छी से टर्म गुडा को कोन कोन रहिबो सेमी नॉर्मल माने n बाय 2 एटा मन रखिबो सेमी नॉर्मल माने n बाय 2 देसी नॉर्मल माने n बाय 10 देसी नॉर्मल रहिबो माने n बाय 10 तापर आसीबो बाय नॉर्मल माने 2n बाय नॉर्मल खाली नॉर्मल माने n सेमी नॉर्मल माने n बाय 2 डेसी नॉर्मल माने n बाय 10 ए सब टर्म गुडा आसीबो बेले बेले पचारिबो तो तमे ताको एक्सप्लेन आ प्रॉब्लम रे भी तमे ताको कन्वर्ट करिया पे इमिति दरकार पडिबो आउटे रहला बाय नॉर्मल आउटे रहिबो सेंटी नॉर्मल सेंटी नॉर्मल माने n बाय 100 ए सब टर्म गुडा को तमे मन रखियो सेमी नॉर्मल माने n बाय 2 डेसी नॉर्मल माने n बाय 10 बाई नॉर्मल माने 2n सेंटी नॉर्मल माने n बाय 100 तो एतिको थिला हमरो कंसंट्रेशन टर्म रे हमें टेंपरेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म सब पढिले आउ गोटे रही गला फॉर्मेलिटी ताको नेक्स्ट क्लास रे मु नेक्स्ट लेक्चर रे देबी आउ तापर टेंपरेचर इंडिपेंडेंट टर्म सब पढिबा पिला माने परिश्रम कर आउ ए वीडियो देखिवा पूर्वरो तमु सब बेले कहूची ते वीडियो देखिवा पूर्वरो नोट कॉपी आउ कोन पेन धरिकी बस निजे नोट्स कर देखिवा सहित वीडियो को कंटिन्यू करबा सहित नोट्स करू था आ परिश्रम करिया पडिवो तमको परिश्रम करिया पडिवो आ मु बारंबार कहूची स्ट्रेटजी कर टाइम मैनेजमेंट कर हां बहुत सारा पिला पचाउछन सर स्ट्रेटजी कोन स्ट्रेटजी माने टाइम मैनेजमेंट केमती करिवो केते अधिक इफेक्टिवली पडिवो इफेक्टिव पाठ पढा दरकार
बहुत समय पढ़ा दरकार ना जी समय पढ़ु भलसे पढ़ ताल जा तुम्हें कौन हम ना तुम गोल्स अचीव कर आज आमको ये कवर करार आउ नेक्स्ट क्लास में आम पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर में आज से धन्यवाद थैंक यू ऑल ऑफ यू।